देख सकते हो धारसला में धूप आ चुकी है और आज तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया मेरा, तो जिम आ चुका हूँ मैं एक्सरसाइज करके, फिर मिलता हूँ मैं आपको। 7 बज गए भैया, वार्म अप के लिए, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। आज थोड़ा लेट हो गया। तो गाइस यहाँ पे मैं मार रहा हूँ बाइसेप, और बाइसेप मारने के बाद मैं मारूँगा यहाँ पे ट्राइसेप लेट के, और उसके बाद लास्ट में करूँगा मैं कार्डियो। तो फिर क्योंकि कल संडे है तो फिर सारे एक्सरसाइज आज ही ख़त्म करने पड़ेंगे सारे मसल्स को। सो तो हेलो एवरीवन, सो फाइनली एक्सरसाइज हो चुकी है, तो सब देख सकते हो बाइसेप तो पेट भी काफ़ी कम हो गया है। तो मेन क्या है ना गाइस, एक्सरसाइज है आपका 40%, तो बाकी का 60% है वो डाइट है। तो डाइट अच्छी करिए तो बॉडी तब्दील होगी। एक्सरसाइज कर ले, अब घर जाता हूँ मैं, शॉप वॉप खोलता हूँ, फिर आपको शॉप में मिलता हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है, मतलब 8 बज गया है, 8:10 की धनो जिसको लेके आता तुम्हारा भाई। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं जिम करके अभी मैं अपने दुकान पे आ चुका हूँ, तो दुकान की सफाई वफाई चल रही है और बबलू अपना छोटा सफाई कर रहा है। तो इसी बीच हमारे एक परमानेंट कस्टमर, अपने बड़ी, अपने ब्रदर, तो उनकी भी मतलब रेडियम की दुकान है और कार में मतलब सजाने की दुकान है, तो उनसे मिलते हैं। हेलो, हेलो, अपना नाम बता दो यार। हाँ, मेरा नाम जितेंद्र सिंह हुआ, मेरी कार श्रृंगार की दुकान हुई। कहाँ पे? अपनी पेट्रोल पंप के सामने। अच्छा, और भाई ने यहाँ से टी शर्ट लिया, हैप्पी मैरी वाला, और कैप लिया ये वाला, तो कैसा लगा आपको? हाँ, ये कैप बहुत अच्छा लगा, टी शर्ट भी अच्छा लगा। आप तो कंटिन्यू आते रहते हो ना? आते रहता हूँ। जो पिछला स्टॉक था उसका रिस्पॉन्स कैसा था? ठीक था, बढ़िया था। कलर नहीं निकला ना? नहीं, कलर नहीं। तभी आप दोबारे आए ना? चलो, थैंक यू सो मच सुबह सुबह आने के लिए, थैंक यू विजिट करने के लिए। और अपने कार सिंगार के बारे में बता दो कुछ। हमारे वहाँ मतलब गाड़ी की जैसे एम्पलीफायर हुए, टेप हुए, ये सब रिपेयर किए जाते हैं, और मतलब ये सब पार्ट्स मिलेंगे गाड़ी के टोटल जितने। नंबर लास्ट में नंबर बता दो। नंबर मेरा है 8273812177। चलो, तो गाइज अपने अगर कार में कुछ मेंटेनेंस या सिंगार वगैरह करना है तो भाई को ज़रूर कांटेक्ट करिए, किफ़ायती दामों में आपको मतलब सिंगार मिल जाएगा। सो गाड़ी के स्टेशन मिल जाएगा और गाड़ी के पार्ट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। बेस ट्यूब, अच्छा, गाड़ी के बेस ट्यूब वगैरह सब चीज़ मिल जाएगा। तो एक बार ज़रूर विजिट करिए निंगाल पानी में, भाई की दुकान में। तो हेलो एवरीवन, तो अभी हमारे धर्मा से, धर्मा के जो हमारे लोकल चलने वाले, तो उन्होंने यहाँ से टी शर्ट लिया। तो हेलो, हेलो हेलो, अपना नाम बता दो यार। मेरा नाम अज्जू बोनवाल। अज्जू भाई, तो कैसा लगा ये टी शर्ट, लायन वाला?
टी शर्ट मुझे एक बार पहनने वाला अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। नेगी जी पीछे दिखाना एक बार ही, नेगी जी की दुकान पे देख सकते हो कई वैरायटी के है नी। नेगी जी की दुकान पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन है पर हमें टाइम नहीं मिलता यहाँ आने का, अभी जल्दी से आ जाते हैं, टी शर्ट पसंद आ गया। थैंक यू नेगी जी, चलो थैंक यू सो मच यार विजिट करने के लिए, थैंक यू बड़ी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, तो फाइनली दुकान में दिया बत्ती हो चुकी है, देख सकते हो धूप, और अंदर वाले सेक्शन में भी हो चुका है। तो तुम्हारा भाई अभी नाश्ता कर रहा है तो देख सकते हो एग वाइट। तो मेन डाइटिंग बहुत ज़रूरी है, जो डाइट से ही आपकी बॉडी जल्दी बनती है। सो स्टे ट्यून, नाश्ता करके मिलता हूँ। सो हेलो एवरीवन, सो एक डे टाइम हो चुका है, तो अभी काफ़ी सारे कस्टमर आए और कई लोगों ने वीडियो बनाया, कई ने नहीं बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज, अभी मैं भी थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ, सॉरी लंच कर लेता हूँ, तो लंच करके मिलता। तो गाइज देख सकते हो अभी खड़ी गली बन गया, लगभग काफ़ी सारा सीमेंटेड हो गया चारों तरफ, तो अभी भी हो ही रहा मतलब नीचे तक काम चालू है मतलब अच्छे से, तो एक आध दिन में कुछ महीनों में शायद नॉर्मल हो जाएगा बेचार। और ये है मल्ली बाज़ार, तो देख सकते हो जहाँ पे मतलब जो दीवार का काम है काफ़ी हद तक काफ़ी स्पीड में चल रहा है, कल रात को भी चल रहा था। तो देखिए यहाँ पे मतलब सरिया वगैरह का अंदर घुल करते हैं, फिर इसके बाद फुल खोल के बनियान बैठा होगा फुल्ली फॉरम में। तो देख सकते हो अभी काफ़ी सारा काम हो गया लगभग लोगों, तो ये अभी फर्स्ट दीवार है। कितने मीटर की दीवार है, कितने मीटर गए पता नहीं। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे आ रहा हूँ मल्ली बाज़ार में, तो जो इंचार्ज है यहाँ के, तो उनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। जी सर, तो ये जो अपना जो ये वॉल है तो इसमें सर हमारा ये जो रूफ टेस्ट का, अच्छा रूफ टेस्ट का वो वॉल का कौन बना रहा है वो सर अलग, अच्छा वो डिपार्टमेंट अलग है ना। तो रूफ टेस्ट क्या क्या चल रहा है सर? रूफ टेस्ट का इसमें चल रहा है सर अभी हमने किया 16 मीटर। अच्छा अभी 16 मीटर पर सर रोक नहीं आ रहा अभी। अच्छा जैसे हम 20 मीटर पे पहुँचेंगे ना सर, उसके बाद आने के चांस हैं सर इसमें रोक। अच्छा तो 20 मीटर रोक करके फिर क्या होगा सर? इसमें ये देखेंगे हम कितनी जमीन सॉलिड है, कितनी कच्ची है, कितनी पक्की है, वो देखेंगे इसमें सर। अच्छा अच्छा, उसके बाद सर आगे जो भी है वो काम करेंगे अगली कंपनी। अच्छा अगली कंपनी करेंगे ना। जी सर। तो जैसा कि बरसात की डेडलाइन है तो उसके हिसाब से मतलब 20 मीटर लेवल पर रॉक मिल जाएगा आपको सर? 20 में मिल सकता है, ऐसे तो लग रहा 20 में मिल जाएगा, नहीं तो उससे ज्यादा करेंगे हम। 20 में मिलेगा तो 35-40 तक लेके जाएंगे। 40 तक जाओगे तब जाके इसमें जो सरिया है वो अच्छे से जा पाएंगे ना। चलो चलो थैंक यू सो मच। सो गाइस देख सकते हो जैसे कि ये रॉक वेल्डिंग का काम चल रहा है, तो मतलब अभी कितना मीटर पहुंच गया का सर? ये हो गया 16 मीटर। 16 मीटर जा गया ना, तो लगभग 20 मीटर तक अभी जाएगा, तो शायद 20 मीटर में रॉक मिल जाएगा तो फिर ये काम अच्छे से हो पाएगा। तो सर देख सकते हो टॉप में जेसीबी लगा है अभी, वहाँ भी क्लीनिंग का काम चल रहा है। धारचूला में लगभग बरसात के लिए 15 से 20 दिन बचे मानसून आने के लिए, तो जून 20 से मानसून स्टार्ट होने वाले हैं, तो देखते हैं कहाँ तक काम कंप्लीट होता है, क्योंकि पिछली बरसात से एक साल होने जा रहा है अभी, तो स्पीड में चल रहा है काम, रात दिन चलता है काम, जैसे कि आपको डेली अपडेट दे रहा हूँ मैं, तो अभी देखो कहाँ तक पहुँचता है। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द व्लॉग। अर्जा अरे भयंकर अटक गया भाई साहब। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे खतरा है अभी मल्ली बाजार में, तो और इस तरफ कर लिया है। तो अब है थॉट ऑफ द डे का टाइम, तो आज का थॉट ऑफ द डे ये है कि अगर तुम किसी के लिए अच्छे नहीं हो कोई बात नहीं, किसी के लिए सुंदर नहीं हो कोई बात नहीं, किसी के लिए परफेक्ट नहीं हो कोई बात नहीं, किसी के लिए तुम बहुत बेकार हो कोई बात नहीं, और किसी की नज़रों में तुम बहुत ही घटिया और बहुत बेहुदा इंसान हो कोई बात नहीं, पर एक इंसान के सामने तुम हमेशा हमेशा
परफेक्ट हो, और यानी कि खुद को तुम देखो आईने में और इसके लिए तुम परफेक्ट हो, तुम स्मार्ट हो, तुम हैंडसम हो और तुम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट 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 इंसान हो। तो इसके लिए परफेक्ट हो ना, तो पूरी दुनिया के लिए परफेक्ट हो। तो सबसे पहले इस बंदे के लिए, यानी कि अपने आप को तुम एक बार शीशे में देखो और खुद से बोलो कि तुम परफेक्ट हो, तुम हैंडसम हो, स्मार्ट हो, ब्यूटीफुल हो, केयरिंग हो और सच्चे हो। अपने आप पर बिलीव करो, अपने आप का मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बनो, खुद पर विश्वास, खुद पर बिलीव और खुद पर कॉन्फिडेंस, यानी कि खुद की केयर करो, अपनी केयर करो, यानी कि खुद की केयर करोगे तभी तो दुनिया आपकी केयर करेगी, खुद की वैल्यू जानोगे तभी तो दुनिया आपकी वैल्यू जानेगी। सो गाइस, फर्स्ट नो योर वैल्यू, देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज हियर, नोबडी कैन जज यू बट ओनली यू। गाइस, दिस इज एंडिंग ऑफ द व्लॉग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड टुमारो इज संडे, तो कल संडे का व्लॉग आपको मैं दूंगा, बोले तो आपके साथ संडे का व्लॉग बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब डेली व्लॉग्स होगा, तो दिस इज सैटरडे, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, सी यू टुमारो। देखिए गाइस, वहाँ पे भी अभी काम चल रहा है रात को, रात को 11-12 बज रहे अभी शायद, बस ऐसे छत में आया था, शोर हो रहा था काफ़ी, तो देखा सामने काम चल रहा है अभी, तो मेरे ख्याल से बरसात के डेडलाइन तक पूरा एरिया मतलब ऊपर तक बन जाएगा, ऊपर तक तो देख सकते हो अभी प्रॉपर रात को भी काम चल रहा है। इसमें अभी कंक्रीट आरसीसी ग्राइंडेड हो रही है जो इस दीवार में जाएगा, इस वाली दीवार में ना, फिर दीवार बनेगी, काफ़ी बढ़िया काम होने लगा।